एंड ये बहुत ज्यादा स्पाइसी आपको देख के पता चल रहा होगा। ये ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी है। सो मैं बोल नहीं सकता, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे साथ वीडियो बनाओ करके। हाय गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड आफ्टरनून बोल। गुड आफ्टरनून, सॉरी गाइस। बेचारी सुबह सुबह उठ के काम कर रही है। अभी मम्मी नहीं है ना, मम्मी जब होती है ना तो मतलब ये भी हमारे साथ 12 बजे तक ही उठती है। मम्मी नहीं है तो बेचारी काम कर रही है। ओहो, क्रेडिट पूरा चाहिए इसे। ये साफ उसने किया है, वो वाला रूम उसने साफ किया है। वेरी गुड दीदी। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन अनदर व्लॉग। सो अभी बज रहे हैं 1 एंड मैं लेट इसीलिए उठा हूं बिकॉज पिछला वाला व्लॉग जो है वो एडिट करते करते ही मेरे को 2 बज गए थे, तो उसकी वजह से आज मैं लेट उठ गया हूं। बाकी मेरी लाइफ में जब से ये व्लॉग्स आए ना, व्लॉग्स एडिट करना, व्लॉग्स अपलोड करना, तब से मेरा जो शेड्यूल है वो बहुत गंदी तरीके से बिगड़ गया है। दीदी क्या बनाया नाश्ते में? ऐसा मारूंगी ना, 2 बजे उठ के नाश्ता बोलेगा तो। दाल भिंडी तो नहीं खाता मैं। खाना क्या खाना? टेस्ट कर, जरूरी है जबरदस्ती टेस्ट कर। तू दूध पी के दिखा हंस रही है। मैं सब्जी मतलब लाइक बहुत रेयर खाता हूँ, बाकी खाता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पनीर नहीं खाता था गाइस, बट मैं पनीर खाना चालू कर रहा हूँ, मतलब अब मेरे को बहुत पसंद आने लग गया। ये तो भाई बचपन से ना दूध पीती ना कुछ। घी, मैं घी खाती हूँ। हाँ तो घी तो भाई, घी तो ऐसे खाती है जैसे मतलब लाइक लास्ट बार है इसका, मतलब जैसे अब घर पे दाल खाती नहीं है ज्यादा, तो घर पे अगर दाल बनाओ तो ये घी और क्या चावल, घी और भात खाते। मैं खाने लग गया, मुझे सीखना है सब कुछ। सीखना है क्यों? गाइस मेगा भी बना रही है चाउचो, जो कि ये वाला है। एंड जब हम नेपाल गए थे तो हम 2 चाउचो लाए थे, एक तो ये वाला और एक ये। हाँ ये वाला जो खत्म हो गया है, एंड ये बहुत ज्यादा स्पाइसी, आपको देख के पता चल रहा होगा। सो ये वाला जो नेपाल का पैकेट है, ये वाला खत्म हो गया था, तो हमने यहीं से मतलब मुंबई से ये वाला ले लिया। वर्षा दीदी ये वाला खा रही है, मैं ये वाला बनाऊंगा। मैं क्या, मेगा बना रही है मेरे लिए, है ना मेगा? हाँ तो बोल। नहीं, हाँ हाँ, मेरे व्लॉग में हमेशा नेपाली बोलती है, बहुत रेयर है। व्लॉग में तो आना चालू हो गई है, बट वही है कि अभी हिंदी बोलेगी ना तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, ताकि आप लोग को भी समझ आ जाए। पापा भी गुस्सा हो रहे कि बिकॉज हम भाई बहन जो है ना बहुत नखरे करते खाना खाने में, और स्पेशली मेरा जो है वो मतलब बाहर का कुछ थोड़ा ज्यादा खाती है तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती है। वो खाती है तो उसको पछता नहीं है, तो सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो हॉस्पिटल जाके एक ग्लूकोज चढ़ा के आई, एक ग्लूकोज चढ़ा के आई, मतलब मैडम समझ रहे हो, तीनों में हम तीनों के ही नखरे हैं, हम थोड़े ज्यादा के बाहर खाते हैं, बट क्या है ना वर्षा दीदी और मैं थोड़ा झेल जाते हैं, मेगा को थोड़ी जल्दी बीमार हो जाती है। तो आज क्या हुआ, आज गई थी, आज सुबह ग्लूकोज चढ़ा के आई है, तो पापा उसी में गुस्सा हो रहे थे कि तुम जो है बाहर का खाते हो। पापा इधर आओ। 3 बार गई है एक ही केस से 3 बार जा चुकी है मेगा। अब नूडल्स मैंने बंद कर दिए पापा, मैं नहीं खाता नूडल्स स्पाइसी। हाँ सॉरी यार, जैसे अभी मैंने नूडल्स बन गया तो पापा एकदम से गुस्सा होते आते कि क्यों खाते हो, मेगा को डांट रहे थे, तो मैं ऐसा हो गया, मैंने चल जल्दी पीछे रख लिया अपने। एक दो बार ठीक है, लेकिन ये नहीं कि साले ब्रेकफास्ट भी यही, लंच भी यही, डिनर भी यही, तुम लोग और दिन में नाश्ता भी, जब भी भूख लगा तो यही, टॉयलेट में निकलता भी यही, चाउमीन चिकन चाउमीन इधर आ गए, यहाँ पे स्पाइसी नूडल्स, गुस्सा हो गया। आज का पूरा दिन हमारा जो है इतना वेस्ट गया है सिर्फ इस लड़की की वजह से। तो मैंने इसको बोला, मैंने घूमने चलते, तो बोलते अभी 6 बज गए, जाने का फायदा नहीं है ऐसा ऐसा। अब ये दोनों का तो टाइम पास हो गया सो के, अब ये डायरेक्ट सीधा 7 बजे उठेंगे। सो मैं रेडी हो चुका हूँ बिकॉज मेरा मतलब मैं दिन को सोता नहीं हूँ ना, मेरे को बचपन से आदत ही नहीं है, तो ये दोनों तो सो गए, अभी ये सीधा 7 बजे उठेंगे, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं चले जाता हूँ घूमने के लिए, भले अकेले घूमना पड़ा। ओके सो गाइस, अभी मैं आया हूँ मलाड स्टेशन, बिकॉज मुझे जाना है बांद्रा, एंड मैं ऑटो से जा सकता था बांद्रा, बट अभी क्या है कि ना मेरे को मलाड से लेके बांद्रा तक मेरे को बहुत ट्रैफिक मिलेगा, बहुत रश मिलेगा। भैया ये बांद्रा रुकेगी ना, आप भी फर्स्ट टाइम हो? हाँ। तभी तो गाइज अभी मैं हूँ अंधेरी में, मैं बांद्रा गया नहीं बिकॉज बांद्रा से आते हुए घर मेरे को बहुत लेट हो जाता, बेसिकली जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए। अनदर डे सेम व्लॉग। पापा जी इधर सो रहे फुल एकदम गोवा बीच वाले टाइप में, और ये पैंट लिया और मैंने आके डायरेक्ट सीधा पापा को दिखाया, मैंने पापा बताओ पैंट कैसा है, ये देखो इतना सही है ये पैंट। पापा सुबह सुबह आके मेरे मुंह पे हंस रहे, बोलते कि ऐसा कौन पैंट लेता है, एक साइड ब्लैक एक साइड व्हाइट, तो मैंने बोला नहीं पापा ये फैशन है। पापा सो गए क्या? मैंने बोला फैशन है ये पैंट, तुम पैंट पे हंस रहे हो। हां झंडा जैसा लग रहा है, झंडा झंडा नहीं वो उसकी तरह लग रहा होगा, जैबरा। गाइज मेरी बहनें, दोनों बहनें जा रही है अभी बांद्रा, कल मैं गया था आज ये जा रहे हैं, और भारी चीज दिखाता हूँ, इतनी भयंकर धूप है ये देखो, अब नहीं दिखता इन्हें धूप, अब तो इन्हें मतलब ये दिखता है कि बांद्रा जाना है, मस्त मस्त शॉपिंग करनी है। इसने मुझे जब से हम आए ना इधर तब से बोला है, मतलब यही हो गया ना, तू भाई की बात नहीं माननी, बहन की बात माननी। तेरे लिए अक्सर इसने गई थी, मैं वो भी गई थी, बट वही है ना अभी जहाँ बोलता हूँ वहाँ पर हाँ बोल दे अगर मजा आ जाएगा, क्योंकि फिर कुछ साल बाद तू होगी नहीं इधर, तू चली फिर शादी की बात होगी, मतलब लाइक हो कभी ना कभी तो करेगी, ऐसा नहीं कि घर पे बैठी रहेगी, कुछ साल के बाद अगर शादी करेगी तब फिर तो जाएगी, तब तो बात ही नहीं मानेगी तू, तब तो आऊंगे ना बीच में। वाओ गाइस देखो जो मैंने मेगा को गिफ्ट किया था, जो दीदी भी पहन रही है
नाइस, दिखा दीदी दोनों बहनों के लिए, क्योंकि इसका जो साइज है वो ना एम है और मेरे को आता है एल, तो मैं पहन नहीं सकता, मेगा का लक था। और मैं कपड़े एक्सचेंज करके पहन लेते हैं। हाँ, और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ। और ये तुम्हारे क्या, मेरे पहनता है तू? ये अपना पर्स भूल जाएगी बरसाती, पर ड्यू नहीं भूलेगी। दिखा मेगा, ये देखो, चलो निकलो, बाय बाय गाइस। सो गाइस, दीदी लोग तो चले गए बैंड्रा, एंड मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरा शूट है तमन्ना भाटिया के साथ, एंड लिटरली मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलूंगा बिकॉज उनका न्यू गाने का शूट है, सो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। किसको दूँ? मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, अगर होती ना पक्का पूरा लेके जाता मैं तेरे लिए। हाय तो बोल दे कैमरे में, हाय बोल दे। हाय हाय, ये स्माइल रख रही हो, ठीक है? So guys, we reached and देखो हमारे साथ कौन है, इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 1 के, उतार लो मास्क, उतारो प्रॉपर दिखाऊं। अच्छा हाय गाइस, सो ये हम कितने सेकंड टाइम मिल रहे हैं ना, नहीं थर्ड टाइम, थर्ड टाइम। ओके सो गाइस, जिस स्टूडियो अभी हम आए हैं वो है द किंग्स, एज यू गाइस ऑल नो, जिन्होंने मतलब रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड ऑफ डांस में इंडिया को, एंड सी दिस, सो नाइस। सो गाइस, आप लोगों ने देखा मैंने शूट किया, बस एक प्रॉब्लम था कि वो मेरी शूट कर रही थी वो दिखी नहीं आपको। सॉरी, वो थोड़ा मतलब बिजी थे तो उसकी वजह से शूट नहीं कर पाया, तो मैंने अकेले सोलो में कर दिया, एंड हमारे सागर भैया ने भी अकेले में शूट कर दिया। हाथ मिलाओ प्लीज। हाँ, थैंक यू साथ देने के लिए, मेरे साथ देने के लिए, थैंक यू सो मच सागर भैया। शूट हमारा जो है वो खत्म हो चुका है, एंड लिटरली मतलब लाइक मैं उनका भी समझ सकता हूँ, तमन्ना भाटिया जी का मतलब लाइक शी इज बिजी इन हर लाइफ, सो मैं बोल नहीं सकता, मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरे साथ वीडियो बनाओ करके, बट बाकी मैंने क्या अपना सोलो बना लिया है। ऑलराइट गाइस, सो आई रीच्ड एट होम, एंड मेरी दीदी भी आ गई है बैंड्रा से। क्या लाई? मैंने दीदी को बोला था कि पैंट ला दियो, बिकॉज पैंट ना मेरा एक वाइट पैंट जो है शूट करते हुए ना उसमें कलर लग गया था, होली का कुछ तो था। ओए हाय, क्या अभी जिराफ को पहनाएगी इतना लंबा? तेरे साइज का है ये मैडम, तेरे लिए नहीं मंगाया था? पहन के देख, पहले कट तो कर, अब क्या पूरा दिखाएगी क्या? अरे मैं सोच के गया था तमन्ना भाटिया के साथ फुल शूट करूंगा, बट हुआ नहीं यार। क्यों? Maybe she was so मतलब बिजी, तो मतलब लाइक बहुत सारे लोगों का हुआ नहीं, तो मैंने सोलो ही करके फिर मैं आ गया। गाइस कोई नहीं, अभी उन्हीं का ही बुरा हो गया बिकॉज मैं उनके गाने को प्रमोट कर रहा हूँ, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। बाकी गाइस, दिस इज द पैंट, अच्छा लग रहा है, नाइस, परफेक्ट आया। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग, होप करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है ये अभी क्या बोलूं, बस कर दो। See you soon. See you in next vlog. Bye-bye.